तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में मोनोसेफ SB इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि इनका यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है, यानी किन किन बीमारियों में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, इनका डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, प्रिकॉशन क्या होता है और इनमें क्या मिला होता है, क्या कंपोजिशन होता है, जानेंगे सारी जानकारियाँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आवाज कर लें, क्योंकि हमेशा इस चैनल पर मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और यदि वीडियो में कोई भी गड़बड़ी, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे आवाज से कमेंट करें। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो हमारी मोनोसेफ SB इंजेक्शन है, इसे एरिस्टो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मोनोसेफ इंजेक्शन को एरिस्टो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और जो हमारा मोनोसेफ SB है, ये एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है। इसमें जो मोनोसेफ SB है वो ब्रांड नेम है, जैसा कि मोनोसेफ SB जो है, मोनोसेफ SB ये ब्रांड नेम है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को जो मोनोसेफ इंजेक्शन है वो लगा होगा। तो इसमें मोनोसेफ तो हो गया, जिसमें सेफ्ट्रियाक्जोन हमारा होता है, और SB का मतलब होता है, इसमें अगर शॉर्ट में आ जाए तो शॉर्ट फॉर्म में सॉल्वैक्टर, यानी मोनोसेफ SB। अब हम इनके कंपोजिशन के बारे में बात कर ले तो इनमें सेफ्ट्रियाक्जोन एंड सॉल्वैक्टर मिला होता है। मोनोसेफ SB जो इंजेक्शन है, इसमें हमारा सेफ्ट्रियाक्जोन एंड सॉल्वैक्टर इंजेक्शन मिला होता है। अगर मोनोसेफ में केवल क्या होता है हमारा सेफ्ट्रियाक्जोन, और मोनोसेफ SB में सेफ्ट्रियाक्जोन एंड सॉल्वैक्टर, जिसे मोनोसेफ SB कहते हैं। इसमें हमारा जो सेफ्ट्रियाक्जोन है वो 1 ग्राम में, और सेफ्ट्रियाक्जोन हमारा 500 mg में अवेलेबल होता है। जो हमारा सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है, इसमें दो हमारे कंपोजिशन है, सेफ्ट्रियाक्जोन एंड सॉल्वैक्टम। तो जो हमारा सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है वो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी के ड्रग से बिलोंग करता है, जो कि 3rd जनरेशन का है। और इसमें जो हमारा सॉल्वैक्टम है वो बीटालैक्टम कैटेगरी के ड्रग से बिलोंग करता है। तो ये हो गई मोनोसेफ SB के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम इनके यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका यूज किस किस केस में किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जो मोनोसेफ SB है इनका यूज किया जाता है, लगाया जाता है। तो चलिए हम इनके यूज के बारे में जान लेते हैं। तो जनरली, जैसा कि बहुत सारे लोगों को टाइफाइड में भी लगा होगा, अगर टाइफाइड हुआ होगा, मलेरिया हुआ होगा, उन केस में भी जो मोनोसेफ SB है इसका यूज किया गया होगा, लगा होगा ये इंजेक्शन। तो चलिए आगे हम और बारे में बात कर ले तो इन्फेक्शन इन लंग्स, यानी कि अगर लंग्स में इन्फेक्शन है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं निमोनिया हो जाता है, जकड़न हो जाता है लंग्स में, पानी भर जाता है, कफ जम जाता है, तो उस केस में ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो मोनोसेफ SB इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ ईयर इन्फेक्शन, कानों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने के लिए, स्किन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि अगर UTI से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है उनमें इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ब्लड इन्फेक्शन, यानी कि ब्लड से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई समस्या होता है उसके इसमें इसका यूज किया जाता है। आप लोग कभी हॉस्पिटल गए होंगे, उस समय ये डॉक्टर है CBC जांच कराता है, और उसमें कोई भी परेशानियाँ आती हैं तो उसमें जनरली जो मोनोसेफ SB इंजेक्शन है इसका यूज किया जाता है। अगर ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उस केस में भी इसका यूज किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके साथ साथ बोन, अगर बोन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए, बोन के ज्वाइंट में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर किसी भी प्रकार का कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का समस्या है, इन्फेक्शन है, उस केस में इसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ गोनोरिया, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया में भी इसका यूज किया जाता है। और बात करें तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज,
इनमें इसका यूज किया जाता है, PID, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस में इसका यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेशन यानी कि किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है उनको हीलिंग के लिए, जल्दी भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई घाव हो जिनमें इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई घाव हो उनमें इन्फेक्शन हो गया हो, उनको भी ट्रीट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिनमें मोनोसेफ SB का यूज किया जाता है, जो मोनोसेफ SB इंजेक्शन है इसको लगाया जाता है। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इनके डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका डोज क्या होता है। तो जनरली अगर हम एडल्ट के बारे में बात करें तो 1.5 ग्राम जनरली सुबह और 1.5 ग्राम शाम को लगाया जाता है, यानी कि जो मोनोसेफ SB है 1 ग्राम, वो 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को दिया जाता है, जिसमें कि हमारा 1 ग्राम सेफियाक्योन 500 mg सालबैक्टर, यानी कि अगर बोले तो 1.5 ग्राम टोटल मोनोसेफ SB 1 ग्राम है, ये पेशेंट को सुबह शाम में कर दिया जाता है। अगर बच्चे के बारे में बात कर लें कि बच्चों में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको, तो जनरली बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है, जो कि 75 to 100 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर पेशेंट को दिया जाता है, बच्चे को दिया जाता है। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात कर लें तो यदि बच्चा 10 kg का है, 10 किलो का है, तो अगर उसको हम 75 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 750 mg पर डे। और अगर हम इसी को ये BD में यानी कि दिन भर में 2 बार में लगेगा, तो इसको अगर हम 2 बार में डिवाइड कर ले तो 375 वंस अ टाइम, यानी कि एक बार, यानी कि 375 mg सुबह और 375 mg शाम को दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ड्रग डोज कैलकुलेशन है वो किया जाता है। यदि आप दवाओं का डोज निकालना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यानी कि ड्रग डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आगे हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर ले तो जनरली नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, डिजीनेस, चेस्ट पेन, जो टंग है उनमें स्वेलिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है, इसके साथ साथ इंजेक्शन लगाने पर बहुत तेज पसीना आ सकता है, रेडनेस हो सकते हैं शरीर पर, जगह जगह दाने दाने हो सकते हैं, चिकत्ते आ सकते हैं, लाल लाल हो सकते हैं शरीर पर, और इसके साथ साथ वेजाइनल ईचिंग भी हो सकता है, वेजाइनल ईचिंग या डिस्चार्ज, यानी इस केस में वेजाइनल ईचिंग और डिस्चार्ज भी होने की संभावना होती है, ये साइड इफेक्ट हैं। और बात करें तो वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और इस इंजेक्शन को देने पर पेशेंट का जो ब्लड है वो भी कम हो सकता है, यानी कि इस केस में अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट के अनुसार एनीमिया भी कुछ पेशेंट को हो सकता है, यानी ब्लड की कमी हो सकती है। ये थे उनके साइड इफेक्ट के बारे में। अब हम आगे बात कर ले इनके प्रिकॉशन के बारे में, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, किसे ये नहीं दे सकते। तो जनरली अगर किसी भी व्यक्ति को सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी के ड्रग से एलर्जी है उसे ये दवा नहीं देंगे, अगर बीटा लैक्टम कैटेगरी के ड्रग से एलर्जी है तो उसे ये दवा नहीं देंगे, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, और प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं किया जाता। इसके साथ साथ ऐसा कोई व्यक्ति जो अल्कोहल ले रहा हो, अल्कोहल वाले व्यक्ति को हम इसका यूज नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे। अगर लीवर किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई गंभीर समस्या है उस केस में इसका यूज नहीं किया जाएगा। अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लीडिंग है वो लगातार होता रहता है कोई कारण से, अगर GIT ब्लीडिंग हो रहा है उस केस में भी इसका यूज नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा है जिसका जो स्किन है वो येलोइश है, यानी कि जॉन्डिस की समस्या है, जॉन्डिस है, उस केस में भी इसका यूज नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ हीमोलाइटिक एनीमिया यानी कि एनीमिया में भी इसका यूज नहीं किया जाएगा। ये थे उनके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो दोस्तों आशा है कि जो वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है, वो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।